दोस्तों, यदि आप योनो लाइट SBI ऐप का यूज करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि योनो लाइट SBI ऐप में नया अपडेट क्या है और इस नए अपडेट में योनो लाइट SBI ऐप में कौन सा फीचर ऐड किया गया है। दोस्तों, योनो लाइट SBI ऐप में कल ही एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है ट्रांसफ़र आप सेविंग अकाउंट। दोस्तों, यदि आप अपने सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अब आप योनो लाइट SBI ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। जबकि आज से पहले यदि हम अपने सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करते थे तो उसके लिए हम ऑनलाइन SBI के पोर्टल पर जाकर उसके बाद ही अपने सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन अब योनो लाइट SBI ऐप में भी ये फीचर जोड़ दिया गया है, जिससे कि हम लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत हो गई है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप योनो लाइट SBI ऐप के जरिए अपने सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, योनो लाइट SBI ऐप में ये फीचर लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने योनो लाइट SBI ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके और योनो लाइट SBI ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो चलिए, मैं योनो लाइट SBI ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम इजी पिन के जरिए इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं योनो लाइट SBI ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे नीचे कोने में यहाँ देखिए एक ऑप्शन है सर्विसेज, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सर्विसेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ट्रांसफ़र आप सेविंग अकाउंट, पहले ये ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जब मैंने योनो लाइट SBI ऐप को अपडेट नहीं किया था तो उस टाइम का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि नीचे में कहीं भी ट्रांसफ़र आप सेविंग अकाउंट का ऑप्शन नहीं है। और अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आ चुका है। मुझे अपने सेविंग अकाउंट को किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र आप सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, हम एक नए पेज पर आ चुके हैं। यहाँ ऊपर में लिखा है ट्रांसफ़र आप सेविंग अकाउंट, और नीचे में यहाँ देखिए लिखा है सेलेक्ट अकाउंट, और उसके बगल में एक डाउन एरो है। तो हम इस डाउन एरो पर क्लिक करके और यहाँ से अपने अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरे पास केवल एक ही अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही अकाउंट शो हो रहा है। यदि आपके एक से ज़्यादा अकाउंट होंगे तो वो सभी अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको जिस भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास एक ही है, इसलिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने अकाउंट नंबर को सेलेक्ट किया, मेरे अकाउंट का डिटेल यहाँ पे शो हो गया है, जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और यहाँ पे ब्रांच नेम है। अभी फ़िलहाल में मेरा अकाउंट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम यहाँ पर शो हो गया है, और उसके नीचे में यहाँ देखिए लिखा है इंटर न्यू ब्रांच कोड। तो इस खाली बॉक्स में हमें उस बैंक के ब्रांच कोड को डालना है जिस बैंक में हम अपने सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ब्रांच कोड डालने के बाद नीचे में देखिए लिखा है गेट ब्रांच नेम, हम इस पर क्लिक करके ब्रांच नेम को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने गेट ब्रांच नेम पर क्लिक किया, नीचे में ब्रांच का नाम शो हो गया है, और ब्रांच नेम के नीचे यहाँ देखिए लिखा है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और इसके बगल में एक चौकोर बॉक्स बना है, इसमें हम चेक मार्क कर देंगे। चेक मार्क करने के बाद नीचे में लिखा है सबमिट, तो हम इस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, तो आप एक बार यहाँ से टोटल डिटेल को चेक कर लीजिए कि ब्रांच कोड क्या है, ब्रांच नेम क्या है। यहाँ देखिए नीचे में लिखा है डिलीवरी मोड ऑनलाइन है, ये सब चेक करने के बाद नीचे में लिखा है कन्फर्म, तो हम इस कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, उस OTP को हम इस खाली बॉक्स में फिल कर देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ जो सबमिट लिखा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो रहा है, और इसमें लिखा हुआ है योर अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, प्लीज नोट दिस रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है रेफरेंस नंबर, यानी हमारा सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है।
और नीचे में रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। आप चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। दोस्तों इस तरीके से यदि आप अपने सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, ये सेविंग अकाउंट तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इस रेफरेंस नंबर के साथ अपना KYC डॉक्यूमेंट लेकर अपने उस ब्रांच में चले जाना है जिस ब्रांच में आपने सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है, और वहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ देकर अपना KYC करा लेना है। उसके बाद आपका ब्रांच जो है टोटली चेंज हो जाएगा, यानी पहले वाला ब्रांच से चेंज होकर नए वाले ब्रांच में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही अपने सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको बैंक के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।